अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अली जोन में खुश आमदीद। वेलकम टू अली जोन। अच्छा, मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह हम सिंगल सिम आईफोन में दो सिम चला सकते हैं। और मेरे पास इस वक्त 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स दोनों अवेलेबल हैं। तो मैं आपको 12 प्रो मैक्स जो है वो एक्चुअली हांगकॉन्ग वर्जन है, डुअल सिम है। और मेरे पास जो यूएसए का है मोबाइल 13 प्रो मैक्स सेरा ब्लू कलर में, ये बेसिकली सिंगल सिम है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें सिंगल सिम मोबाइल में टू सिम किस तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की ये वीडियो। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आईफोन 12 प्रो मैक्स जो कि डुअल सिम है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम किस तरह से टू सिम लगा सकते हैं और किस तरह से फिज़िकल डुअल सिम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको 13 प्रो मैक्स जो कि मेरा सिंगल फिज़िकल सिम है और दूसरी सिम मैं इसमें किस तरह और कैसे लगाता हूँ, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो आखिर तक वो देखिएगा। अच्छा, हम शुरू करते हैं। 12 प्रो मैक्स है ये मेरे पास, 12 प्रो मैक्स है। इसमें अभी आप देख रहे होंगे मैसेज शो हो रहा है, नो सिम कार्ड इंस्टॉल। तो हम सबसे पहले सिम ट्रे को चेक करेंगे। इसके बाद हम इसमें सिम टू जो है वो लगाएंगे। ये देखें, ये बैक साइड पे मैंने लगा दी है इसकी ट्रिम। ये इसकी बेसिकली एक जैकेट है ये वाली, जिसमें ये सिम को जो होल्ड करती है, पीछे वाले सिम को, ये गिरेगी नहीं है। और इसके बाद हम आ जाते हैं आपके फ्रंट पे। यहाँ पे हम सिम वन लगाते हैं। अब आप देखें, ये सिम टू और ये आपका सिम वन। अब हम इसमें लगाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंसर्ट करने के बाद प्लेन मोड में हटा दूंगा। अब आप देखें, दोनों सिम जो है मेरी इसमें आ गई हैं। दोनों मेरी सिम यूफोन की हैं, दोनों सिम मेरी इसमें यूफोन की आ गई हैं। और इस तरह जो है मैं इसमें फिज़िकल डुअल सिम लगा के इस मोबाइल को यूज़ कर सकता हूँ। तो हो गया आपका डुअल सिम। मैंने आपको बता दी कि दोनों सिम हम किस तरह लगा सकते हैं और मोबाइल में किस तरह से सिग्नल आ गए और हम दोनों सिम एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा सिंगल सिम आईफोन 13 प्रो मैक्स में मैं किस तरह से दो सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सिम ट्रे बाहर निकालेंगे। सिम ले ली मैंने यूफोन की, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसको यहाँ पर लगाने के बाद इसको सिंपली मैं इसमें दूसरी सिम की, जैसे उस तरह उस वाले मोबाइल में 12 प्रो मैक्स डुअल सिम फिजिकल डुअल सिम में एक जैक था जो होल्ड करता है सिम को, इसमें देखें वो जैक नहीं है। तो इसमें सिंगल सिम ही लग सकती है। अब मैं इसमें सिंगल सिम अपनी लगा दिए, इसको मैं इंसर्ट करूँगा। इसके बाद अब आप देखें सिग्नल नहीं आ रहे, मैं एरोप्लेन मोड को करूँगा। और जी आप देखें यूफोन LTE, ये इसमें सिग्नल अब आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं दूसरी सिम किस तरह लगाऊंगा। तो दूसरी सिम मेरी है जैज की eSIM। जैज eSIM जो है मैं इसमें इंसर्ट करूँगा। अब इसको इसका क्या तरीक़ेकार है, ये बेसिकली eSIM है, इलेक्ट्रॉनिक सिम। इसको फिज़िकली मोबाइल में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो हम चले जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में मोबाइल डेटा, मोबाइल डेटा में अब आप देखें यहाँ पर आ रहा है एड डेटा प्लान। एड डेटा प्लान को मैं क्लिक करूँगा, बारकोड स्कैन करने के लिए बोलेगा। ये जी बारकोड मैंने स्कैन कर लिया। इसके बाद आप देखिएगा एड डेटा प्लान बता रहा है। अच्छा, अब आप डेटा प्लान लेबल्स हैं, नंबर वन जो मेरा है इसको मैं कौन सा नंबर लगाना चाह, नाम क्या रखना चाह रहा हूँ यूफोन, और सेकंड नंबर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ कि आपका
जैस, इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। डिफ़ॉल्ट लाइन जो है मैं प्राइमरी यूफोन ही यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसके बाद आई मैसेज जो है ये मैं यूफोन वाले नंबर पे ही यूज़ करना चाह रहा हूँ। मोबाइल डेटा जो है वो मैं यूफोन का ही यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको डन कर दूँगा। अब आप देखें मेरे दोनों मोबाइल के सिग्नल इसमें आ गए हैं। एक तो आपका जैज़ है, एक यूफोन है। ठीक है जी, बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा आप कॉल किस तरह कर सकते हैं। ये देखें प्राइमरी मेरा यूफोन का नंबर आ रहा है, मैंने इस पर नाम चेंज नहीं किया था, इसलिए प्राइमरी लिखा आ रहा है। इसको मैं करूंगा पर्सनल लाइन पे, जो कि चेस की है मेरी, इस पर मैं कोई सा भी नंबर डायल करके और कॉल कर सकता हूँ। तो बहुत ईजी तरीका है। इसी तरह आप मैसेजेस में जाके मैसेज में भी आप कोई नंबर पर्स करें कि 021 ऐड कर दिया। अब ये यहाँ पे भी पूछ रहा है कि आपने प्राइमरी से मैसेज करना है या फिर आपकी जो पर्सनल है उससे मैसेज करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजी है, इस तरह से यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा की वीडियोज़ मेरी मिल सकें। तो ये बहुत आसान तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।